हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टील लर्निंग। जैसे कि आप सभी जानते हो, एसएससी एमटीएस जर्नलिस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के 20 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैं, जिसके कि डिस्क्रिप्शन में आपको सारा लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारी वीडियो चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ब्लॉग पर जा सकते हैं stillearning.in, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी, जितने पार्ट अब तक के मैं अपलोड कर चुका हूँ सारी वीडियोज़ के आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएंगे। और नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप RRB, एक और बता दूँ आपको एक बात, अगर आप RRB NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी मोस्ट इंपोर्टेंट GK क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसके टोटल में 10 पार्ट बनाए हुए हैं, जो कि हमारी वेबसाइट stillearning.in पर पड़े हुए हैं, वहाँ पे आप जाकर चेक करिए। RRB NTPC मोस्ट इंपोर्टेंट GK के नाम से एक पोस्ट होगी, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सारे PDF के लिंक आपको मिल जाएंगे, जितने पार्ट अब तक के अपलोड कर चुका हूँ RRB NTPC के लिए, और वहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ के लिंक भी मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पार्ट है, ये 21 पार्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट SSC MTS मोस्ट इंपोर्टेंट GK का 21 पार्ट है। इसमें सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और कुछ क्वेश्चंस इसमें प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए हैं 2017 में, 2014 में, 2013 में जो एग्जाम्स हुए थे वहाँ से लिए गए कुछ क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चन अलग से लिए गए हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे, आप उनको पढ़िए। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड स्टेनलेस स्टील। जो स्टेनलेस स्टील इन्वेंट किया था वो किसने किया था? वो किया है हैरी ब्रिली ने। किसने? हैरी ब्रिली ने, स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। कौन सा इंडियन स्टेट ऐसा है जिसमें सबसे बड़ा एरिया है? तो एरिया के सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है इंडिया का? वो है राजस्थान। अगर एरिया की बात करते हैं तो राजस्थान सबसे बड़ा है, और अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन ज़्यादा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो ध्यान रखिए, अगर पॉपुलेशन की बात करता है तो उत्तर प्रदेश है, और अगर एरिया की बात करता है तो राजस्थान है। नेक्स्ट है, वेर इज़ कलसुबाई माउंटेन लोकेटेड। जो कलसुबाई माउंटेन है वो कहाँ पर है? जो कलसुबाई माउंटेन है वो कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, कलसुबाई माउंटेन। नेक्स्ट है, तानिया सचदेव एसोसिएट विद विच गेम। जो तानिया सचदेव है वो किस गेम से बिलोंग करती हैं? तो वो गेम से बिलोंग करती हैं चेस से। किससे? चेस से। एक चेस प्लेयर है। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक वी द पीपल। जो वी द पीपल बुक लिखी गई वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी गई नानी पालखीवाला के द्वारा। किसके द्वारा? नानी पालखीवाला के द्वारा, वी द पीपल। तो बुक के नाम आप जरूर याद कर लीजिए। मैं इसलिए काफ़ी बुक के क्वेश्चन डाल रहा हूँ उसमें, क्योंकि ये जरूर एक ना क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज। जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसका लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? तो ह्यूमन ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो क्या होता है? वो होता है सेरेब्रम। क्या होता है? सेरेब्रम, तो लार्जेस्ट पार्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एज रिक्वायरमेंट फॉर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसके लिए एज की रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए। तो कम से कम 18 साल और ज़्यादा 70 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट है, वेयर इज लोकेटेड सबरीमाला टेम्पल। जो सबरीमाला टेम्पल है वो कहाँ पर है? ये क्वेश्चन तो दोस्तों कई बार आ चुका है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये केरला में है, सबरीमाला टेम्पल जो केरला में है। नेक्स्ट है, भारतनाट्यम डांस एसोसिएट विद विच इंडियन स्टेट। जो डांस है भारतनाट्यम वो किस स्टेट से बिलोंग करता है? वो बिलोंग करता है तमिलनाडु से। किससे बिलोंग करता है? तमिलनाडु से। ये क्वेश्चन में कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है, व्हेन सेलिब्रेटेड अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे। जो अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 4 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को, जो कि कल ही मनाया गया। कल 4 जुलाई थी, तो उससे मेरे को याद आया, तो मैंने उसका क्वेश्चन डाल दिया है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि मतलब किस दिन क्या मनाया जाता है। जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो याद करने बहुत ज़रूरी है, उनमें से भी एक ना एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। नेक्स्ट है, सुनील छत्री बिलोंग टू विच गेम। जो सुनील छत्री हैं वो किस गेम से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। वो एक फुटबॉलर है। नेक्स्ट है, हु रोट द बुक पृथ्वीराज रासो। जो पृथ्वीराज रासो बुक लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी गई है चांद बरदाई के द्वारा। किसके द्वारा? चांद बरदाई के द्वारा, पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है, हु इज़ नोन एज हॉकी मैजिशियन। ये दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, MTS में कई बार आया है, RRB में कई बार आया है, CSSL में भी ये क्वेश्चन CSSL में भी आ चुका है। तो जो ये हॉकी मैजिशियन है वो कौन है? वो है ध्यानचंद। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ शेरशाह सूरी। जो शेरशाह सूरी है, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं शेरशाह सूरी, तो उनका ओरिजिनल नेम वो क्या था? उनका ओरिजिनल नेम था फरीद खान। क्या था? फरीद खान। शेरशाह सूरी का ओरिजिनल नेम क्या था? फरीद खान। नेक्स्ट है, खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। जो खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो किन दो कंट्री के बीच में होती है? किन दो देशों के बीच में होती है? वो होती है इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में। किसके? इंडियन किर्गिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है, वेयर इज लोकेटेड सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है? वो है अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ पर? अहमदाबाद में है, जो कि गुजरात में पड़ता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है,
वैन वाज मेक इन इंडिया लॉन्च, जो मेक इन इंडिया लॉन्च किया गया था वो कब किया गया था, वो किया गया था 2014 में। कब? 2014 में, 2014 में लॉन्च किया गया था मेक इन इंडिया। नेक्स्ट है, विच रिवर इज़ नियर टू ताजमहल, ये कौन सी नदी है जो ताजमहल के एकदम नियर पड़ती है, वो है यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी, जो कि ताजमहल के एकदम बराबर में है, पीछे ही है उसके, यमुना नदी। नेक्स्ट है, हु इज़ द फर्स्ट मुगल किंग, जो फर्स्ट मुगल किंग हुए वो कौन हुए, फर्स्ट मुगल किंग कौन है, बाबर। कौन है? बाबर हुए थे, जो कि फर्स्ट मुगल किंग थे। नेक्स्ट है, ट्रू कलर्स बुक इज रिटन बाय, जो ट्रू कलर्स बुक लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो जो ट्रू कलर्स बुक लिखी गई है वो लिखी गई है क्रिस्टिन हैना के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिस्टिन हैना के द्वारा ट्रू कलर्स बुक लिखी गई है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है इसको लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपको क्वेश्चन याद ना हो रहे हो तो आप वीडियो को पूरे शुरू से लेकर एंड तक देखें, और वीडियो को एक बार देखें, दो बार देखें, तीन बार देखें, ताकि आपके माइंड में सारे क्वेश्चन ये सेट हो जाते हैं एक या दो बार तीन बार देखने से। तो अगर आपको फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बराबर में बेल का बटन होगा उसको प्रेस जरूर कर दें। उसको प्रेस करने से क्या होता है, हमारी जो आने वाली वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको PDF चाहिए इस पार्ट की या फिर इससे प्रीवियस पार्ट की आपको लिस्ट चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं stlearning.in, वहाँ पर आपको सारी PDF आपको मिल जाएंगी, जितने भी पार्ट में अब तक अपलोड कर चुका हूँ सारे आपको वहाँ पर वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप RRB की तैयारी कर रहे हैं NTPC की, तो उसके भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट के 10 पार्ट मिल जाएंगे। इसके अब तक मैं MTS के 21 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, और भी करूँगा अभी, और अगर और RRB के मैं टोटल 10 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे सारे। तो आपको इस समय बताया वहाँ पर आपको सारे PDF मिल जाएंगे, नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ नीचे, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारे मैं PDF जो भी डालता रहता हूँ, जो भी आप अपलोड करूँगा वीडियो, उसके सारे PDF आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों, आप इसको अच्छे से पढ़िए, और जैसे कि मैंने आपको बताया अभी के अभी मैं वीडियो डालने वाला हूँ उसकी, CSL के एग्ज़ाम चल रहे हैं, एक तरीके से स्टार्ट हुए हैं अभी, काफ़ी वो चलेंगे, तो उसकी वीडियो भी मैं डालना स्टार्ट करता हूँ आज से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर कर लें। दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।